आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। खोरावार थाना क्षेत्र के लालपुर टीकर गांव में गुरुवार की रात शादी समारोह में नाचने के दौरान हुए विवाद में बदमाशों ने दो भाइयों को मारी गोली, एक की हुई मौत, दूसरा गंभीर। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे में सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। प्रसिद्ध देवी स्थल तरकुलहा मंदिर में पुलिस चौकी की स्थापना के लिए एडीजी जोन ने एसएसपी को जमीन उपलब्ध कराकर पुलिस चौकी स्थापित करने के लिए किया निर्देशित, कहा पुलिस चौकी स्थापित होने के बाद मंदिर की सुरक्षा के साथ श्रद्धालु भी रहेंगे सुरक्षित। चौरी चौरा थाना क्षेत्र के मिथुन पासवान गिरोह का शातिर अपराधी भीम पासवान पुलिस मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार। एसएसपी ने कहा दर्जनों आपराधिक मुकदमे में वांछित था भीम, गांजा व तमंचा बरामद, साथ ही हुआ फरार। जीडीए अध्यक्ष मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुए जीडीए बोर्ड की 119वीं बैठक, विकास कार्यों और निर्माणाधीन भवनों, पार्कों सहित अन्य बिंदुओं की हुई समीक्षा। गोलघर में निर्माणाधीन पार्किंग स्थल को जल्द खोले जाने के दिए निर्देश। विकासखंड खोराबार क्षेत्र स्थित नव निर्मित तरकुलानी पंपिंग स्टेशन का शुक्रवार को मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, एसएसपी सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। भारत के अमृत योजना के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जागरूकता वैन को सीडीओ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कहा जागरूकता वैन के माध्यम से किसानों को दी जाएगी योजना की जानकारी, किसान उठा सकेंगे बीमा योजना का लाभ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक ने तहसीलदारों और राजस्व कर्मियों को नामांतरण बही खसरा के संबंध में दिया प्रशिक्षण, फॉर्म के भरने की दी जानकारी। वन महोत्सव के तहत कुलपति ने गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में किया पौधरोपण, कहा संबद्ध महाविद्यालयों में लगाए जाएंगे 1,00,000 पौधे, संरक्षण के लिए एनएसएस, एनसीसी, रोवर्स, रेंजर्स और डीएसडब्ल्यू को दी जाएगी जिम्मेदारी। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,288। अब तक 842 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 60 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव ने बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट के संबंध में की चर्चा, कहा जल्द से जल्द कराएं डाटा अपलोड जिससे सुचिता पूर्वक हो सके रिजल्ट घोषित। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई रोगी कल्याण समिति शासी निकाय की बैठक, जिला अस्पताल में मेडिकल सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ तीसरी लहर से निपटने के संबंध में हुई चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अपर जिलाधिकारी राजेश्वर की अध्यक्षता में संपन्न हुई ग्राम पंचायतों को 14वें और 15वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि की वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति संबंधित बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित 66 केंद्रों पर 12,691 लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका, सीएमओ ने कहा लक्ष्य के सापेक्ष हो रहा है टीकाकरण, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। गंगोत्री देवी स्कूल ऑफ नर्सिंग एवं पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन, छात्राओं को स्वास्थ्य के प्रति किया गया जागरूक। और जनपद में रात्रि कर्फ्यू में सड़कों पर लोगों का आवागमन रहा जारी, एडीएम सिटी ने कहा घरों से अनावश्यक बाहर निकलने वाले लोगों का पुलिस कर रही है चालान, मुकदमा भी किया जा रहा है पंजीकृत।